नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। कुवैत के हर रोज नए अपडेट आ रहे हैं। कुवैत को पता लग चुका है कि भैया जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। 85% कुवैती के अलावा गैर मुल्की लोग बैठे हैं, 15% हम बचे हैं। तो ये लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारी तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो भैया वहाँ की जनता ने भी लोकल प्रॉब्लम उनको भी हो रही है हर चीज़ में। और दूसरी बात, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, हमारा घर है, हम 5 मेंबर हैं, हमारे आसपास में आके दूसरे पता नहीं कहाँ के लोग आके चारों ओर बस जाएं, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो उनमें बट जाती है, डिवाइडेशन हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अभी कुवैत सरकार ने, बता दूं, ये सिस्टम चेंज कर रहा है बढ़िया तरीके से। 360,000 लोगों का तो रेड मैप तैयार है, 1 साल का अल्टीमेटम देके, 6 महीने का अल्टीमेटम देके आउट निकलो यहाँ से, घर जाओ, ये जाइए अपने, ये सिस्टम तैयार कर चुका है। बाकी धीरे धीरे नए और अपडेट होते रहेंगे। आप ये वीडियो आज की डेट बता रहा हूँ, 12 अगस्त तक आगे आने वाला है, तो हो सकता है चेंजिंग हो जाए, कम नहीं होगा, इसमें ज़्यादा ही बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। 360,000 लोगों का रेड मैप तैयार है, जिसमें लगभग 90,000, पहले वाले में मैंने 82-83,000 बताया था, उसमें 7-8,000 और ऐड हो गए। 90,000 तो वो वर्कर हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। मैं बता दूं, 1.5 लाख वर्कर वो हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, सिर्फ वो गधा मजदूरी करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का। आप वही वीडियो देख रहे हो, नाराज मत होना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी है, सच्चाई है, लेकिन इसमें नो डाउट अनस्किल्ड हैं, जिनमें उनको कुवैत सरकार को कोई फायदा नहीं होता आप लोगों से, ठीक है, समझ गए बात को। 1,20,000 वो लोग हैं जो इलीगल हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, सरकार ने उनको ऑप्शन दिए, हम आपका आउट पास देंगे, हम आपका टिकट देंगे, हम आपको टिकट फ्री देंगे, आप अपनी कंट्री चले जाओ, नहीं गए, उनको भी निकालने का है। तो 360,000 ये हो गए, 1,20,000 अकुशल मजदूर, 1,50,000 अकुशल मजदूर हो गए, बता दूं मैं आपको, 1,20,000 इलीगल वर्कर हो गए, 90,000 से ऊपर लगभग 60 साल वाले हो गए, उनका पत्ता सबका कटे। उनकी देखिए वहाँ की थिंकिंग क्या है, उन्होंने बताया इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई, हम इनसे परेशान हैं। 2005 से लेके 2020 तक 55% जनसंख्या थी जो 100% हो गई। तो आप इस बात को समझे, परेशानी तो होगी भाई, नो डाउट। आगे उन्होंने ये बताया कि महिलाओं की संख्या 1% और पुरुषों की संख्या 3%, यानी 3 गुना ज़्यादा पुरुष वहाँ पे बढ़ गए। उनका टारगेट ये है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, संतुलन रखा जाए, ताकि इनको निकाला जाए। जो बुद्धिमानी हैं, जिनके पास डिग्री हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा है, उनके पास योग्यता है, स्किल्ड हैं, उनके लिए भैया बल्ले बल्ले है, उनको सरकार रखेगी अपने फायदे के लिए। साफ साफ उन्होंने बोला है, कुवैत के विकास के लिए उनको जॉब दिए जाएंगे। समिति के सदस्य हैं ओसामा अल ताहिन ने कहा कि गल्फ कंट्रीज पूरी ही इन लोगों से या अप्रवासी लोगों से पीड़ित है। बताया 82.4% लोग विदेशी रहते हैं। आप सोचिए भाई, 100% 100 लोग हैं, उनमें से 82 लोग विदेशी हैं, कितने बचे, 18 लोग वो हैं। तो भैया आप समझ सकते हैं, दिक्कत तो आने वाली है। ये गल्फ कंट्रीज़ का नाम लिया है, तो ये आने वाले टाइम पे भैया और भी देशों में लागू हो सकती है, गल्फ कंट्रीज़ में। और ये जनसंख्या 15 वर्षों में बढ़ी है, 2005 से लेके 2020 तक। तो बस यही अपडेट देनी थी आपको, और भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके ऑनलाइन करके रखें, ताकि फेसबुक, आपको फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें, ताकि कुवैत से रिलेटेड नई अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।